नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीके मोबाइल केयर और मेरा नाम सीके। दोस्तों हम ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो टैब दिया गया है सैमसंग का, उसका हार्ड रिसेट कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले मैं चेक करा देता हूँ कि इस पे जो पासवर्ड लगा हुआ है तो इसका हम पासवर्ड कैसे जो है अनलॉक करेंगे, जो पैटर्न लॉक लगा हुआ है। तो ध्यान से और देखिएगा वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, क्योंकि अभी इस पे जो पासवर्ड लगा हुआ है तो पासवर्ड लगे होने के कारण जो है मोबाइल जो है पावर ऑफ नहीं होगा और पासवर्ड मांगेगा। तो उसको कैसे जो है ऑफ़ करना है और कैसे हार्ड रीसेट मोड पे लाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी देखिएगा, देखिए पासवर्ड मांग रहा है ऑफ करने पे भी। तो इसका सिंपल सा जो फंडा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पर आपको टाइमिंग का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। टाइमिंग अगर आपकी जो है लेट है तो कर नहीं कर पाए। अब आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पॉट बटन को दबा कर रखना है। जैसे ही फ़ोन ऑन हो, मतलब जैसे ही ऑफ हुआ, नहीं कि तुरंत ऊपर की पावर वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को दबा कर रखना है जब तक हार्ड रीसेट मोड मतलब कमांड ओपन नहीं हो जाए, ठीक है। मतलब पहले क्या करना है कि आपको डाउन बटन दबाना है और पावर बटन दबाना है, ठीक है। तो पावर ऑफ हो जाएगा और जैसे ही ऑफ हुआ, नहीं कि तुरंत ऊपर वाली बटन जो वॉल्यूम अप बटन है और पावर बटन एक साथ दबाए रखना है जब तक हार्ड रीसेट मोड ओपन ना हो जाए, ठीक है। तो अभी इसको जो है वॉल्यूम डाउन बटन से नीचे आएंगे और पावर बटन को दबाएंगे तो ओके हो जाएगा। और यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट लिखा हुआ है तो फिर से नीचे आके ओके कर देंगे तो फैक्ट्री डाटा रीसेट होने लगा, ठीक है। अब इसको सिंपल सा जो है पावर बटन दबा के रिबूट नाउ पे कर देंगे। अब ये जो है एक या डेढ़ मिनट पे जो है ओपन हो जाएगा, तो थोड़ा वेट करना है। मैंने वीडियो स्किप नहीं किया दोस्तों, सैमसंग का ये काफ़ी तगड़ा टैबलेट है, अच्छा है। योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो है बहुत ही अच्छी छोटी सी भेंट है। अगर आपका जो ये मेथड काम नहीं कर रहा है ना, तो आपको मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ। जैसे कंप्यूटर का जो यूएसबी होता है, जो जिससे डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है कंप्यूटर पे, वो यूएसबी लगी होनी चाहिए और यूएसबी को कनेक्ट कर दीजिए फ़ोन पे, ठीक है। फिर इसके बाद वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को दबा कर रखिए। फिर इसके बाद जैसे ही ऑफ होता है तो कंप्यूटर पे जैसे ही ऑफ होगा तो तुरंत जो है ड्राइवर छोड़ेगा, और जैसे ही जो है ड्राइवर छोड़ेगा तो हमें पता चल जाता है कि मोबाइल ऑफ हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद जो है तुरंत वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दबा के फिर से आपको कमांड दे दीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।